हे गाइस, वी वर डूइंग चैप्टर नंबर 1 और इसमें हम लोग केसेस पढ़ रहे थे एंड इन दैट नॉमिनेटिव केस हमने पढ़ा था एंड एक एक्यूजेटिव केस पढ़ा था. नॉमिनेटिव केस क्या होता है? जिसमें जो नाउन या प्रनाउन जो होता है वो सब्जेक्ट का प्लेस लेता है, मतलब मेन वर्ब जो होता है उसके साथ जो सब्जेक्ट, मतलब जो नाउन चेंज होके सब्जेक्ट बनता है मेन वर्ब के रिलेशन में, कि कौन किसने ट्रैवल किया, मोहित ने ट्रैवल किया, हु ट्रैवल्ड, मोहित. मोहित यहाँ पे नाउन था. अब ये नाउन सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है मेन वर्ब के साथ, ठीक है. अब एक्यूजेटिव में क्या होता है कि नाउन या प्रनाउन जो होता है हमारा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है. फर्स्ट केस में क्या था, वो सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है. अब इसमें वर्ब के साथ, अब जैसे यहाँ पे मीट है कि आई कैन मीट देम टुमोरो, तो मीट हमारा वर्ब है कि मिलना होगा, तो एक्शन हो रहा है ये मीटिंग. सो मीट के साथ हम लोग देम यूज़ कर रहे हैं, ये प्रनाउन है, तो अब ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है. अब किटन इज स्क्रैचिंग, स्क्रैचिंग वर्ब है, इसके साथ बेड पोस्ट है, द बेड पोस्ट. बेड पोस्ट हमारा क्या है, नाउन है. तो अब नाउन के साथ स्क्रैचिंग यूज हो रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट है. किसको स्क्रैच कर रही है किटन? बेड पोस्ट को. तो ये ऑब्जेक्ट है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ जब वर्ब का रिलेशन शो करते हैं तो वो एक्यूजेटिव केस होते हैं, और जब सब्जेक्ट के साथ रिलेशन शो करते हैं, नाउन मेन वर्ब सब्जेक्ट के साथ रिलेशन शो करता है वो नॉमिनेटिव केस होता है. जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन शो करता है वर्ब तो वो हमारा एक्यूजेटिव केस होता है. अब देखो ये सेंटेंसेस रीड करो. आई लेंट जॉयस जोजी माई सूट फॉर द इंटरव्यू. माई डैड मेड मी अ बुक शेल्फ. अब फर्स्ट में देखो, आई लेंट जोसी. अब इसमें वर्ब क्या है, लेंट, कि मैंने दिया, देना. जोसी को क्या दिया, माई सूट फॉर द इंटरव्यू. इंटरव्यू के लिए मेरा सूट दिया. तो अब यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो सूट है, ठीक है, और किसको दिया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है हमारा, जोजी. आई जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, तो जोजी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. माई डैड मेड मी अ बुक शेल्फ. अब यहाँ पे मेड इज वर्ब. अब वर्ब के साथ जो है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, किसके लिए बनवाया, डैड ने बनवाया, तो डैड यहाँ पे कहीं ना कहीं सब्जेक्ट है. बुक शेल्फ यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है. तो ऐसे ही अब थर्ड केस में देखो, क्रिस सेड ही वुड लीव हिज स्कूटर अनलॉक्ड फॉर हर. तो अब यहाँ पे लीव, छोड़ देगा, तो कहीं ना कहीं ये अनलॉक छोड़ेगा, तो ये हमारा एक्शन है, वर्ब है. तो अब इसके साथ जो क्रिस है ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है. स्कूटर हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हर किसके लिए छोड़ेगा, हर के लिए. सो हमारा हर क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. तो जो ये रिलेशन होता है वर्ब का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ उसको हम क्या बोलते हैं, डेटिव केस. तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेटिव केस. व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन ऑक्यूपाइज द पोजीशन ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इट इज सेड टू बी डेटिव केस. अब इसके बाद देखते हैं कि अब ये एग्जांपल है, आई गेव माय फ्रेंड सम आइसक्रीम. आई गॉट दीज बुक्स एज अ गिफ्ट फॉर माई मदर. माई अंकल बॉट अस सम पिकल. अब इसमें ये भी डेटिव केस के ही एग्जाम्पल्स हैं कि आई गेव, गेव एक्शन है, किसने, आई ने, ये सब्जेक्ट है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आइसक्रीम है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रेंड है. ऑल राइट, ये सारे नाउन्स हैं, ठीक है. तो नाउन्स प्रनाउन्स हैं, ये प्रनाउन है, ये भी नाउन्स है. तो इनको हम लोग, इनका यूसेज डिफरेंट डिफरेंट तरीके से है. जब हम एक नाउन का यूज़ सब्जेक्ट की तरह कर रहे हैं तो वो हमारा नॉमिनेटिव केस है. जब हम नाउन का यूज़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह कर रहे हैं तो वो हमारा एक्यूजेटिव केस है. और जब हम नाउन का यूज़, जब नाउन जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्लेस ऑक्यूपाई करता है तो वो क्या हो जाता है, डेटिव केस. तो इन तीनों केसेस को एक साथ हम क्या बोलते हैं, कॉमन केस. क्या बोलते हैं, कॉमन केस. अब ये देखो, दिस इज़ अजय's कॉमिक बुक. इसमें क्या दिखा रहा है कि कॉमिक बुक किसकी है, अजय की है. जिमिन वांटेड मी टू ब्रिंग हिम अ मैगजीन ऑफ माइन. मी, मैगजीन किसकी है, मेरी है. जिमिन चाहता था कि वो मेरी जो मैगजीन है वो मैं लेके आऊँ और इसको दे दूँ, ठीक है. द किटन लिक्ड इट्स बाउल. किटन ने अपनी बाउल को लिक किया, ठीक है.
सो जो ये सेंटेंसेस हैं ये क्या दिखा रहे हैं, पोजेशन कि किसी की चीज, किसकी वो चीज है, माइन, अजयज, इट्स, ये सारे क्या दिखा रहे हैं कि पोजेशन, कि मैगजीन किसकी है, मेरी है, बाउल किसका है, किटन का है, कॉमिक बुक किसकी है, अजय की है, ठीक है। तो जो ऐसे केसेस होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, पोजेसिव केस, जब नाउन या प्रनाउन ऑनरशिप दिखा रहा है कि ये चीज़ मेरी है, पोजेशन दिखा रहा है, तो वो हमारा पोजेसिव केस बन जाता है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, जो नॉमिनेटिव केस था, पहला केस था, उसमें जो आंसर मिलता है हमें हु का, ठीक है। सेकेंड जो है हमारा एक्यूजेटिव केस, उसमें हमें आंसर मिलता है हुम का। थर्ड जो हमारा केस है डेटिव केस, उसमें भी हमें हुम का ही आंसर मिलता है। जो सेकेंड जो हमारा एक्यूजेटिव केस था, उसमें हमें मिलता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आंसर, इसमें मिलता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आंसर, ठीक है। और जो अब फोर्थ हमारा पॉजिटिव केस है, इसमें हमें किसका आंसर मिलता है, हुज का। सो ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेंगी व्हेन यू आर गिवन एन एक्सरसाइज, उसमें तुम्हें टेक आउट, तुम्हें ये दिखाना है, बताना है कि कौन सा डेटिव केस है, कौन सा पोजेसिव केस है, तो उसमें ये चीज़ तुम्हारे को हेल्प करेगी। ऑल राइट, सो कुछ एग्जाम्पल्स और हैं यहाँ पे कि शी सेड दैट शी वॉज टेकिंग हर कैट, किसकी कैट है, उसकी कैट है, ठीक है, शी की, ठीक है। रितु एंड पार्वती डिसाइडेड टू सेल देयर कपबोर्ड, कपबोर्ड किसका है, रितु और पार्वती का, तो ये पोजेशन दिखा रहा है ना, देयर, हर, तो ये वर्ड्स जो हैं ये पोजेशन दिखा रहे हैं, तो ये पोजेसिव केस है, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग। गाइज आई एंड दिस लेक्चर हेयर ओनली, जस्ट रिवाइज दिस प्रॉपरली, डू दिस प्रॉपरली, आई विल बी टेलिंग यू इन नेक्स्ट लेक्चर वॉट एवर इज लेफ्ट इन दिस चैप्टर। सो टिल देन बाय, टेक केयर।